पीएम मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को करेंगे संबोधित। नीति आयोग की मीटिंग में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, 70 साल में हमारे देश ने मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया, अब युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज आंदोलन कर रहे किसानों से करेंगे मुलाकात। किसान नेता राकेश टिकैत बोले हम खरीफ फसलों को बर्बाद कर देंगे लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। झारखंड कांग्रेस की किसानों के समर्थन में जन आक्रोश रैली में हुआ लैला लैला गाने पर डांस। चमोली हादसे पर उत्तराखंड के डीजीपी बोले तपोवन से 5 और शव बरामद, अब तक कुल 67 शव बरामद किए गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, बोले स्वदेशी पेट्रोल से मिलेगी राहत। एक्टर सोनू सूद का एक और नेक काम, चमोली त्रासदी में मारे गए एक व्यक्ति की 4 बेटियों को गोद लिया, पढ़ाई से लेकर शादी तक हर खर्च उठाएंगे। बॉलीवुड एक्टर सनी लियोनी का साउथ इंडियन लुक हुआ वायरल, तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजर। मेरठ में शादी समारोह में तंदूरी रोटी पर थूक लगाते हुए युवक का वीडियो हुआ वायरल, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में प्रियंका गांधी वाड्रा बोली खरब पतियों के लिए कृषि कानून। प्रियंका गांधी का प्रयागराज दौरा आज, निषाद समुदाय के लोगों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 22 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का एक दिनी दौरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ धोखाधड़ी की अर्जी खारिज, शूटर वर्तिका सिंह ने सुल्तानपुर में दी थी अर्जी। कासगंज कांड का मुख्य आरोपी मोती सिंह एनकाउंटर में मारा गया, सिपाही की हत्या में था वॉन्टेड। अजीत सिंह हत्याकांड में शूटर गिरधारी के एनकाउंटर के बाद लखनऊ पुलिस ने पूर्व एमपी धनंजय सिंह को बनाया साजिशकर्ता, जारी हुआ वारंट। राम मंदिर के लिए मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने 11 लाख का चंदा दिया, बोली परिवार के फैसलों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं। अपर्णा यादव के राम काज पर अखिलेश यादव बोले आपदा में अवसर ढूंढ लिया गया, सीएम योगी से पूछा डीएनए का फुल फॉर्म। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया बाहरी मुख्यमंत्री। बाराबंकी में बड़ी लापरवाही, एक आधार कार्ड 2 लोगों को हुआ जारी, 10 साल के बच्चे की उम्र लिख दी 70। रीता बहुगुणा जोशी पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की यूपी सरकार की अर्जी खारिज, 6 को तय होंगे आरोप। यूपी में महल पाने के लिए ऑयल स्टेट के राज परिवार ने लिया आरटीआई का सहारा, 93 साल बाद मिला हक। लखनऊ से कानपुर तक का सफर हुआ सस्ता, रेलवे के दैनिक यात्रियों को मिलेगी राहत। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी और शिवपाल यादव आएंगे एक साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज केरल दौरा, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।